स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये बेसिक फोटोशॉप सीरीज है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मास्क के बारे में। मास्क तीन तरह के होते हैं, लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क और वेक्टर मास्क। पिछले वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं लेयर मास्क के बारे में, आज हम बात करेंगे क्लिपिंग मास्क के बारे में। दोस्तों, क्लिपिंग मास्क बहुत ही ईजी है, इसे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं बैकग्राउंड लेयर वन और लेयर टू लेके आया हूँ। ये जो लेयर टू है, मैं लेयर टू को क्लिपिंग मास्क बनाऊंगा। क्लिपिंग मास्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस लेयर को क्लिपिंग मास्क बनाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे इस लेयर को बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिपिंग मास्क करने से क्या होगा, नीचे वाले लेयर के अंदर हमें ऊपर वाला लेयर, ये जो क्लिपिंग मास्क किया था, वो दिखाई देगा। ये देखिए, इसके अंदर ये मास्क इस तरह से क्लिप हो गया है। इसका दूसरा तरीका भी है क्लिपिंग मास्क बनाने का। ऊपर लेयर लेकर आएंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम लेयर मेन्यू के अंदर जाएंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, तो भी हम इस तरह से क्लिपिंग मास्क बना सकते हैं। तीसरा तरीका है शॉर्टकट से, कंट्रोल अल्ट और जी प्रेस करते ही क्लिपिंग मास्क बन गया। वापस कंट्रोल अल्ट और जी दबाएंगे तो रिलीज मोड में वापस आएगा, यानी कि क्लिपिंग मास्क वापस से हट जाएगा। अभी देखिए, राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी रिलीज कर सकते हैं, रिलीज क्लिपिंग मास्क, इसे वापस बाहर आ जाएगा। बस बस सिंपल, क्लिपिंग मास्क बनाना बहुत ही आसान है, और हमको हम इस तरह से क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लिपिंग मास्क का यूज सबसे ज्यादा टेक्स्ट के अंदर हम लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे अभी लेयर वन को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले टाइप टूल के ऊपर जाऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ फोटोशॉप। टाइप टूल के बारे में अभी बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर हमने बात नहीं की है, आने वाले 4 से 5 वीडियो के बाद में हम टाइप टूल के बारे में भी देखेंगे। फोटोशॉप के ऊपर मैं इस फोटो को लेके आता हूँ और इस लेयर को ऊपर ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर वापस मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करूँगा। इस तरह से क्लिपिंग मास्क हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, इस तरह से बहुत ही अच्छा क्लिपिंग मास्क आपको दिखाई देगा। अब क्लिपिंग मास्क से हम लेयर मास्क भी बना सकते हैं, कैसे? अभी देखिए, फोटोशॉप जो टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ। कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो क्या होगा, लोड सिलेक्शन हो जाएगा। ये लोड सिलेक्शन, सिलेक्ट मेन्यू के अंदर लोड सिलेक्शन यहाँ पे भी है, जिसके बारे में हम सिलेक्शन के अंदर बात कर चुके हैं पहले ही। तो लोड सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल के साथ मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये टेक्स्ट जितना भी है, ये टेक्स्ट बॉर्डर तक, यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, सिलेक्शन होने के बाद में वापस मैं लेयर टू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एड न्यू लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ। एड न्यू लेयर मास्क क्लिक करते ही ये देखिए, यहाँ पे लेयर मास्क क्रिएट हो गया है, तो भी हमें दिखाई देगा। अभी देखिए, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये लेयर क्लिपिंग मास्क है। अभी इसको रिलीज करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में, दोनों के ऊपर नहीं, सबसे लास्ट में राइट क्लिक करने के बाद रिलीज क्लिपिंग मास्क क्लिक करते ही अब इस टेक्स्ट की भी हमें जरूरत नहीं, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं और इस तरह से ये मर्ज हो गया साथ में कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मली लास्ट वीडियो के अंदर जैसे हमने देखा था उस तरह से लेयर मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क यही है। अब इसको यूज करके हम कैसी कैसी अलग अलग तरह की तरीके से इसको यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। एक ऐसा ही मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पे मैं एक और लेयर लेता हूं, सिलेक्शन किया और यहां से न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर वन लिया मैंने और इसको एडिट मेन्यू में जाएंगे और फिर फिल करेंगे, वाइट कलर से मैं फिल कर रहा हूँ इसको। ओके, इसको कंट्रोल आई से इन्वर्स करके मैं ब्लैक करता हूँ। अब इस लेयर वन पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो लेयर स्टाइल के एक विंडो हमें दिखाई देगी। इसके अंदर खूब सारे ऑप्शन हैं और इनके बारे में हम बात
नेक्स्ट आने वाले लेयर स्टाइल का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में, स्ट्रोक के बारे में और शेडो के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर स्ट्रोक का सेट कर सकते हैं। मुझे व्हाइट कलर सेट करना है, मैंने व्हाइट कलर लिया यहाँ से। और साइज यहाँ से आप स्ट्रोक की सेट कर सकते हैं, 15, 14 जितनी करनी है आपको। और उसके बाद में पोजीशन, पोजीशन हम यहाँ से इनसाइड करेंगे, इनसाइड करेंगे। उसके बाद में आप ड्रॉप शेडो पे देखिए, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो बाहर की साइड में शेडो आएगी। शेडो के लिए यहाँ पे आप शेडो की ओपासिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद में शेडो की डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है, थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है हमें, थोड़ी डिस्टेंस रखेंगे। और उसके बाद में शेडो की साइज, हार्ड या सॉफ्ट कितनी हमें रखनी है। और उसके बाद में एक और ऑप्शन है इनर शेडो का, हमें शेडो इनसाइड भी देनी है। इनर शेडो पे क्लिक करेंगे और इनर शेडो का कलर यहाँ से ब्लैक ही रखना है। थोड़ी सी ये ओपासिटी रखेंगे, डिस्टेंस, साइज, ये सब सेट करेंगे और ओके करेंगे। ओके। उसके बाद में लेयर जीरो को हम लेयर वन के ऊपर लेके जाएंगे, लेयर जीरो को हम लेयर वन के ऊपर लेके जाएंगे। और लेयर जीरो के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिक करते ही हमें क्लिपिंग मास्क दिखाई देगा, फोटो के ऊपर क्लिपिंग मास्क अप्लाई हो चुका है। और लेयर वन के ऊपर हम क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेयर वन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस साइड वाली जो, ये बाहर वाली जो लाइन है, ट्रांसफॉर्म लाइन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तब ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अदरवाइज आप कंट्रोल टी करके भी ट्रांसफर हम कर सकते हैं, तो कंट्रोल टी करें और उसके बाद में इसे आप इधर से इधर ऐसे घुमा के सेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, आप लेयर वन और लेयर जीरो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और माउस से लेयर जीरो पे और लेयर वन पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। सिलेक्ट होने के बाद में दोनों को डुप्लीकेट बनाना है, कंट्रोल जे से हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। अदरवाइज लेयर के अंदर, न्यू के अंदर लेयर या कॉपी पे क्लिक करेंगे तो भी दोनों एक साथ डुप्लीकेट हो जाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद में सेम वैसे के वैसे दो लेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर वन कॉपी इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वापस कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। और उसके बाद में इसे इधर से उधर जहां कहीं भी मुझे लेके जाना है लेके जा सकता हूँ। और यही प्रोसेस दोबारा से हम दोहराएंगे, लेयर वन कॉपी और लेयर जीरो कॉपी को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में और कंट्रोल जे, अदरवाइज लेयर मेन्यू के अंदर लेयर व कॉपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वापस से जो लेटेस्ट बने हैं उनके अंदर से जो लेयर वन कॉपी टू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको यहाँ से दूसरी जगह पे ऐसे लेके जाएंगे। सेम यही प्रोसेस एक बार फिर से दोहराएंगे और यहाँ से इसको सेम यही प्रोसेस एक बार फिर से नीचे वाले लेयर को कंट्रोल टी करेंगे और इस तरह से हम ये फोटो तैयार करेंगे। आप अब इन सभी जो डुप्लीकेट लेयर्स हमने बनाए थे इनको ग्रुप के अंदर भी बना सकते, सेट कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों का एक ग्रुप बनाया है, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में क्रिएट न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रुप वन बन गया। ऐसे इन सभी का भी आप ग्रुप बना के इनको रख सकते हैं। इस तरह से आप इफेक्टिव फ्रेम तैयार कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क का यूज और भी खूब सारी जगह पे कर सकते हैं जहां पे क्लिपिंग मास्क की आपको जरूरत लगे। और ये वीडियो आप देखने के बाद क्लिपिंग मास्क की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेक्टर मास्क के बारे में। यदि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में
ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।